हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट बनने वाला रवा डोसा, जिसे आप सूजी डोसा भी बोल सकते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है 2 कप सूजी बारीक वाली, 2 कप सूजी हमने ले लिया है, और हम इससे 4 चम्मच के करीब लेंगे आटा, गेहूं का आटा इसमें ले लेंगे हम। 4 चम्मच गेहूं का आटा और 1.5 से 2 चम्मच तक हम ले लेंगे बेसन, इसमें एक अच्छा कलर लाने के लिए। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम चीनी। इसे जो है चीनी से हमारा एक अच्छा सा कलर आता है, जो कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। और हम इसमें डाल देंगे नमक 1 चम्मच के करीब। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अब अच्छे से हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 कप डाल देंगे दही। दही हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे। इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं एक साथ ऐड करेंगे, ताकि हमें अच्छे से इसका पता लग सके कितने पानी की इसमें ज़रूरत है। लगभग हमें 1 कप दही 1 कप पानी जितना हमें इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम 15 से 20 मिनट रख देंगे इसे फूलने के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए और पानी एब्जॉर्ब कर ले। अब इसे हम ढक्कन लगा के ढक देंगे 20 मिनट के लिए। हम इसे साइड में रख देंगे, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं अपनी। लगभग 20 मिनट हो गया है, आइए हम चेक कर लेते हैं। बैटर को हमने इस तरह से, आप देख सकते हैं, इसने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम और पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और इसे अच्छे से फ्लफी होने तक फेंट लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि इसमें अब ज़्यादा पानी की ज़रूरत है नहीं। बैटर हमारा तैयार हो गया है, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, और इसे हम 1 मिनट और फेंट लेंगे अच्छे से। बैटर हमारा तैयार हो गया है। इधर आइए, हमने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा हमारा गरम हो गया है। अब इसे हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तवे को ग्रीस करके हम इस पे पानी की कुछ बूंदे छींटे मार देंगे, ताकि इसका टेम्परेचर एकदम अच्छा हो जाए बढ़िया। इस तरह से हम इसमें छींटा दे देंगे, और इसे हम अच्छे से तवे को क्लीन कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम सिम रखेंगे, और इसमें हम बैटर को अच्छे से एक कच्ची से ऐसे मिक्स करके इसको डालते जाएंगे। इसमें हम एक कच्ची पूरा उठाएंगे, इस तरह से इसको सेंटर में डालेंगे। डाल के हमें
बीच से हमको घुमाते हुए ऐसे गोल गोल इसे फैलाना है। बहुत सावधानी से फैलाना है, हमें बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से फैलाना है। जितना बड़ा आपका तवा हो उतना बड़ा आप इसे फैला सकते हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब ऊपर हल्का सा तेल से ग्रीसिंग कर देंगे। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या घी से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डोसे में हल्का हल्का रेड रेड लाइन आ रहा है। अब इस तरह से डोसे को आप चाहे तो थोड़ा सा और इसे अच्छे से पका लें क्रिस्पी होने तक। आप देख सकते हैं डोसा हमारा कितना अच्छा बनके तैयार हो गया है। आप इस तरह से इसे फोल्ड कर दें और इस तरह से निकाल लें। अब इसी तरह से हम दूसरा डोसा डालेंगे इस पे। अच्छे से हम क्लीन कर देंगे। इस तरह से हम दूसरा डोसा भी बना लेंगे। बीच में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। अब इसे हम गोल्डन होने तक पकने देंगे। ये डोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें आप चाहे तो इस तरह से आलू की फिलिंग भर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो सिंपल ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें बच्चों की पसंद से फिलिंग भर डालेंगे। बस इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। अभी अच्छे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड देख सकते हैं इंस्टेंट डोसा बन के तैयार हो गया, साउथ इंडियन डिश। बिल्कुल इसके हमने सांभर से और मूंगफली की चटनी से इस तरह से इसको किया है। आप भी चाहे तो इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। और इस डोसे को देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी डोसा हुआ, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हुआ है। आप भी इस तरह से बनाइए सूजी के डोसे इंस्टेंट, और बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिए। हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।